कोरोना ने ईद पर ग्रहण लगा दिया है। जहां इस बार ईद की रौनक गायब दिखाई दे रही है, वहीं बाजारों में भी भीड़ नहीं है। इस बार कैसे मनाई जा रही है ईद, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने चाले। रस्म ए दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन तो है, मौका भी है और दस्तूर भी, पर अब इस बार लॉकडाउन की वजह से गले का मिलना ना हो पाएगा। रमजान का पाक महीना मुस्लिम धर्म के लिए सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने इबादत करके ईद का इंतजार करते हैं और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से बाजारें खाली पड़ी हैं और गलियां वीरान हैं। इस बार ईद की मिठास थोड़ी कम मीठी लग रही है। ना मैं लॉकडाउन के चलते हुए रोजे भी लॉकडाउन में आए, हम लोगों ने रोजे भी लॉकडाउन में ही पूरे किए हैं और नमाजें भी घर पर ही अदा की हैं और अलविदा की नमाज भी घर पर ही अदा की है। और अब जैसा कि सरकार का आदेश है कि ईद उल फित्र की नमाज भी घर पर ही अदा की जाए, तो हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे और घर पर ही ईद की नमाज अदा करेंगे। और रहा सवाल मिठास का, तो मिठास तो मतलब ही नहीं उठता है। जिस दौर से देश गुजर रहा है उस दौर को देखते हुए खुशियां मनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के जो गले मिला करते थे, एक दूसरे को बधाइयां दिया करते थे, दोस्त हो दुश्मन दुश्मनी भुला करके हम लोग गले मिलते थे, तो वो गले मिलने का तो इस लॉकडाउन में सवाल ही नहीं उठता। वहीं अगर बाजारों की बात करें तो रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही खजला, फैनी और सेवैयों की दुकान सजकर तैयार हो जाती हैं, जिनकी पूरे रमजान में जमकर बिक्री होती है। पर इस बार कोरोना ने दुकानदारों के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। बीते साल के मुकाबले इस बार 10% ही व्यापार हुआ। सेल तो भाई साहब पैसा इन्वेस्ट कर रखा है हमने, सेल तो ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। सिवाई खरीदा फैनी लेके बैठे हैं, लेकिन सेल बिल्कुल ना के बराबर, मतलब 10% भी नहीं है, 100% में 10% भी नहीं है। हालात इससे गंभीर हैं कि लॉकडाउन आ गया है, लॉकडाउन चल रहा है, उसको कोई फायदा हो नहीं रहा। जहाँ एक तरफ लोग लॉकडाउन के चलते घरों से निकलने से डर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने हर साल ईदगाह में पढ़ी जाने वाली नमाज में केवल 5 लोगों के उपस्थित रहने के लिए अनुमति दी है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के दौरान पढ़ी गई नमाज की तरह ईद की नमाज को भी घर में ही पढ़ पाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कि हम सहमति वाली बात है तो 100% सहमत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि महामारी है, इस महामारी से निपटने के लिए हमको जो है इसका पालन करना है और लोगों में इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब रही बात मिठास की, तो दिलों के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए। नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने मुल्क की दुआ के लिए करते हैं और दुनिया के लिए, समाज के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस COVID-19 को जड़ से ख़त्म कर दें। हम लोग को राहत मिलेगी तो रोज़ ईद है। लेकिन जितनी शासन से कोर्ट से अपील हुई है कि 4-5 लोग जो वैसे पढ़ रहे थे अब से पहले लॉकडाउन में नमाज जुमा नमाज अदा की थी, वैसे ही ईद की नमाज को भी 4-5 लोग अदा किया जाए। हम इसमें शासन का भरपूर साथ देते हैं और उनकी बात को भी हम मानेंगे, क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए, हम लोगों के लिए, अपनी जान को, अपने घरों को छोड़ करके अपने बी बच्चों को छोड़ने के बाद हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उनकी गलती है, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं।
इस बार ईद पर सेवइयों की मिठास थोड़ी कम जरूर हुई है, गले मिलना भले रह गया है, पर यकीन है कि आने वाली अगली ईद फिर से गुलजार होगी और वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना पर मानव समाज की जीत होगी। काशीपुर से निजामुद्दीन शेख, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।